हेलो दोस्तों, देखिए अभी पटना के चिड़ियाघर में आए और चिड़ियाघर के अंदर में चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या कौन कौन सा जानवर है और यहाँ से अफ्रीका से भी जानवर आता है और दिखाएंगे यहाँ पर कौन कौन सा जानवर है और कैसा चिड़ियाघर है इसके बारे में अंदर जला के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए अंदर पहले टिकट ले लेते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं। तो देखिए अंदर अभी चल रहे हैं पार्क के, और तो चलिए अंदर में चलते हैं। देखिए इस बहुत ही ज्यादा पेड़ पौधा है, बहुत जानवर है और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं घूमने, और यहाँ पर आने से जो मन का तनाव है वो काफी दूर हो जाता है। शहर में बोला जाता है कि यहाँ पर कहीं भी पेड़ पौधा देखने को कम मिलता है। एक ऐसा ही जगह है जो चिड़ियाघर है या पार्क वर्क होता है, इसी में लोग अपना मन को शांति मिलता है, लोग के जो टेंशन तनाव है इस सबसे दूर होता है। तो चलिए अब अंदर में चलते हैं, जानवर सब को देखते हैं। देखिए यहाँ पर घूमने के लिए गाड़ी भी लगा हुआ है, अगर जो चल ठीक से नहीं चल सकता है उसके लिए गाड़ी भी है, इस पर बैठ के घूम सकता है, पार्क का आनंद चिड़ियाघर का आनंद ले सकता है। देखिए यहाँ पर एक तरह से पूरा इसको बोल सकते हैं कि पूरा गाछी है, पूरा जंगले है। इस पार्क में बहुत सा चिड़िया का मधुर मधुर भी आवाज आ रहा है और बहुत सुनकर बहुत ही मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। और देखिए इसमें यहाँ पर पार्क में पानी फिर पट रहा है, देखिए इसके अंदर पीने का पानी भी है, देन शुद्ध जल भी लगा हुआ है। और आगे पर देखिए यहाँ पर एक तो एरोप्लेन यहाँ दिखाई दे रहा है, देखते हैं लग में जाकर क्या है। देखिए यहाँ पर शो के लिए लगा हुआ है ये एरोप्लेन, पार्क के खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाया हुआ है। देखिए पार्क के खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ पर लगाया हुआ है। देखिए यहाँ इसमें ट्रेन भी चलता है, देखिए इसके अंदर रेल लाइन भी बिछाया हुआ है, छोटी लाइन है, ट्रेन से भी लोग इसके अंदर में घूमते हैं फिरते हैं। पहले ही चलाया जाता था, अभी भी चलता ही है, लगा हुआ है ट्रेन आगे में, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। इस पार्क में पूरा दिन जंगल की तरफ फील होता है, यहाँ पर आने के बाद लगता है कि देन प्रकृति का एक अलग ही आनंद देखने को मिलता है इस पार्क में। देखिए इसके अंदर बहुत ही सफ़ेद मोर रखा हुआ है और इसके अंदर में बड़े बड़े मोर रंग बिरंग पक्षी हैं और जो अपने सुंदर लंबे इंद्रधनुष जैसे पंखों के लिए जाने जाते हैं। ये जमीनी पक्षी है जो कीड़े या छोटे पौधे को खाते हैं, हालांकि ये उन बड़े पक्षियों में से एक ही है जो उड़ते भी है। देखिए यही जो पक्षी है इसके अंदर में रखा हुआ है, सफ़ेद कलर का है, बड़ा लंबा लंबा पंख है। ऐसा पक्षी आप लोग कभी नहीं देखे होंगे इस पार्क में रखा हुआ है। देखिए इसमें तीन पक्षी रखा हुआ है, इसका पंख बहुत लंबा है, मोर के पंख जैसा देखने में लगता है, सफ़ेद कलर का है। देखिए यहाँ पर जो, और देखिए यहाँ पर क्या चीज़ बनाया हुआ है देखते हैं चल के। देखिए यहाँ सुधा है, मतलब यहाँ पर दूध दही भी आइसक्रीम सभी उपलब्ध है पार्क के अंदर में। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रेन को बात, जो ट्रेन के बारे में बता रहे थे यही ट्रेन है जो चलता है। इसके अंदर में बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ बनाया हुआ है बैठने के लिए, खाने पीने के लिए। और अभी काफ़ी दूर चल के आ गए, अभी तक जानवर सब अभी एक भी नहीं देखे हैं, अभी एक भी पता नहीं चला है, काफ़ी ज़्यादा दूर में रखा होगा चाहे अंदर में होगा ज़्यादा। चलिए अब चलते हैं, आप लोग को जानवर ही दिखाते हैं, बहुत टाइम हो गया इस सब बात कर लिया, अब जानवर सीधा दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम सब मंकी को देखते हैं यहाँ पर, चलिए मंकी है यहाँ पर। देखिए इसके अंदर में दो ठो मंकी है जो अंदर में घूम रहा है फिर रहा है। देखिए यहाँ पर नज़दीक में आया मंकी, दो ठो मंकी है। देखिए इसके अंदर में बहुत सा पक्षी है, मोर है, अलग अलग प्रजाति के बत्तख सब है और बहुत सा प्रजाति के यहाँ पर पक्षी रखा हुआ है अंदर में। यहाँ से काफी दूर है, आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा इसका, देखिए अंदर में है। देखिए यहाँ पर एक पक्षी है जो शुतुरमुर्ग लेखा देखने में लग रहा है, शायद शुतुरमुर्ग ही है, वैसा ही लग रहा है। देखिए इसके अंदर में इतना प्रकार के पक्षी यहाँ पर आता है, यहाँ पर पूरा पक्षी का लिस्ट दिया हुआ है इसके अंदर में, ये सब पक्षी। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर डायनासोर का चित्र बनाया हुआ है, यहाँ पर लग रहा है डायनासोर ही है, डायनासोर तो लुप्त हो गया लेकिन उसका चित्र यहाँ पर बना के बताया हुआ है। देखिए उल्लू है यहाँ पर, उल्लू इसके अंदर में बहुत सा तरह के चीज होगा, अंदर गला के बाद ही पता चलेगा, आने के बाद ये सब पूरे जगह के घूमने के बाद ही इसके अंदर में हम जाएंगे अंदर के भी।
देखिए इसके अंदर में हिरण रखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है पूरे भारत में पाया जाता है, यह भूरे रंग का होता है। इनके अगले पैर लंबे होते हैं और पिछले छोटे होते हैं। देखिए इसके अंदर में बहुत सा हिरण है, यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा अच्छा से। और इसके अंदर में बहुत सा पक्षी भी है, कौआ भी है। देखिए कौआ बैठा हुआ है पेड़ के डाली पर, यहाँ पर है कौआ, इधर से उधर उड़ रहा है, हिरण सबको बहुत परेशान कर रहा है कौआ। देखिए चल रहा है आगे के, देखिए किस तरह से जानवर तक रहा है, देख रहे हैं। देखिए इसके अंदर में अलग अलग प्रजाति के मुर्गी है। देखिए यहाँ पर कितना मस्त मुर्गी लग रहा है, यहाँ पर काला और सफेद कलर का है। देखिए यहाँ पर नजदीक में है मुर्गी, और चलिए आप लोग को अलग अलग प्रजाति की मुर्गी आप दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी है ये मुर्गा, तो आप लोग देखे होंगे कि गाँव घर में भी देखने को मिलता है। उसके बाद आप दिखाते हैं आप लोग को, यहाँ पर देखिए ये मुर्गा ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है और नीचा है, और इसका बच्चा भी देखिए मुर्गा का। इसमें देखिए जंगली मुर्गा है, इसमें जंगली मुर्गा है, ये सब दोनों दिखाई दे रहा है जंगली मुर्गा है। ये पक्षी देखिए लग रहा है तोता लेखा लग रहा है, लेकिन अलग ही किस्म का लग रहा है। और इसमें ये तोता है यहाँ पर। देखिए इसके अंदर में बहुत सा हिरण है, इस हिरण सब के सींग भी लंबा लंबा है, उसमें दिखाया तो उतना सींग लंबा नहीं था, और इसमें हिरण सब के सींग भी बहुत लंबा लंबा है। देखिए ये चीतल है, पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है, हिरण परिवार का एक प्रमुख प्राणी है। नर चीतल में ठोस सींग पाया जाता है, तथा चीतल प्रत्येक वर्ष नए सींग आता है, भोजन में घास पत्ते अनाज इत्यादि। अब देखिए इसके अंदर में 12 सिंगा है, इसके बारे में लिखा हुआ है पूरा। देखिए वहाँ पर 12 सिंगा बैठा हुआ है, ये मैं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, 12 सिंगा है, 12 वो सिंग रहता है इसका। देखिए इसके अंदर में इस शेर की तरह लग रहा है देखने में, बिल्ली है, ये अलग ही प्रजाति की बिल्ली है। देखिए इसके अंदर में कृष्ण मृग है, यहाँ पर ज्यादा हिरण की ही प्रजाति इसमें ज्यादा देखने को मिला है। देखिए यहाँ पर हिरण हरा हरा घास खा रहा है, सींग भी इसका लंबा लंबा है। इसमें लिखा हुआ है किस टाइप के हिरण सब है, हिरण के बारे में पूरा लिखा हुआ है विस्तार से। देखिए इसके अंदर में मुफ्त में वाईफाई भी मिलता है उपयोग करने के लिए। देखिए इसके अंदर में एक झील भी है, जो लोग नाव पर बैठ के घूमता भी है। देखिए इसके अंदर में बहुत ही मजा आता होगा घूमने में। इसके अंदर में जिराफ है, हम सब जिराफ के नाम सुनते थे किताब में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए रियल में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। देखिए पूरा पार्क का नक्शा है, कहाँ पर कौन सा चीज है, ये सब इसने नक्शा में बताया हुआ है, और यहाँ पर इतना चीज इसके अंदर में लिखा हुआ है। देखिए इस पार्क में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। देखिए यहाँ पर गाड़ी से सब घूम रहा है, यहाँ पर देखिए आप गाड़ी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, जो घूम नहीं सकता चल नहीं सकता जाएगा तो गाड़ी से घूम सकता है। इसके अंदर में रोड भी बना हुआ है, गाड़ी भी है, ट्रेन भी है, यहाँ पर छोटी लाइन भी छा हुआ था, लेकिन ट्रेन अब नहीं चलता है, बंद हो गया है। देखिए अब गेंडा हम सब देखने जा रहे हैं, ये सबसे भारी पक्षी है, विशाल सबसे भारी जानवर है। देखिए इसके अंदर में दो ठो गेंडा है, वो यहाँ पर है और ये वो यहाँ पर है, और ये पानी में ही रहता है गेंडा। देखिए यहाँ पर किस तरह से लग रहा है, देखिए गेंडा किस तरह से हरकत कर रहा है पानी में, पानी में रहता है का तो कीचड़ में ही रहता है, सुगर की तरह लग रहा है ना। देखिए नमस्कार भाई। अब चल रहे हैं अगला कुछ जानवर देखने। देखिए यहाँ पर बहुत तरह के जानवर हैं, और इसमें भी देख रहे हैं कौन सा जानवर है, इसके बाद गेंडा के बाद कौन सा जानवर दिखा है खोज रहे हैं। देखिए इसके बाद वाला में भी गेंडे यहाँ पर हैं, दो गेंडा इसमें भी।
चलिए इसके बाद आगे कुछ जानवर को दिखाते हैं। देखिए इसके अंदर में हाथी है, हाथी इस घर के अंदर में रखा हुआ है, अंदर में चल गया हुआ है। देखिए शोर इधर से उधर हिला रहा है। इसके अंदर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कौन क्या कर रहा है सब यहाँ पे पता चलता है। देखिए पूरा जंगल की तरह लग रहा है यहाँ पर, पूरा बांस वूस बहुत तरह के बहुत किस्म के यहाँ पर पेड़ पौधा है और पूरा एक तरह से जंगल ही लग रहा है। लग रहा है कि जंगल के रास्ते हम सब जा रहे हैं कहीं, और यहाँ पर बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा फील होता है। पार्क के अंदर में बहुत ही ठंडा ठंडी हवा ही चल रहा है और चिड़िया सबके मधुर आवाज सुनने में और अच्छा लगता है, और यहाँ पर घूमने में काफी मजा आता है। बहुत ही शानदार जगह है यहाँ पर अंदर में। देखिए इसके अंदर में सियार रहता है, वहां पर सियार है, इधर से उधर घूम रहा है, इनमें से वो में निकल रहा है। देखिए उधर जाके बैठ गया वहां पर। ये सियार ज्यादा पर कहाँ पाया जाता है इसमें लिखा हुआ है। देखिए सियार एशिया के एक बड़े क्षेत्र में वितरित है, भारत नेपाल बांग्लादेश भूटान और कई और देशों में पाया जाता है सियार कई प्रजाति के होता है। देखिए इसके अंदर से कहीं से पानी निकल रहा है, चारों तरफ फैल रहा है, और इसके अंदर में छोटा सा नहर टाइप के बनाया हुआ है कि पानी के उपस्थिति सब जगह रहे और पेड़ पौधा हरा भरा रहे। और इसमें बांस अलग अलग टाइप के लगाया हुआ है, कलर इसका चेंज है, एकदम पीला टाइप के बांस है इसके अंदर में। देखिए यहाँ पर बड़ा सा जिराफ दर्द। देखिए यहाँ पर जानवर सब के लिए चारा जा रहा है, हरा हरा घास जा रहा है। देखिए इसके अंदर में लकड़ी का पुल बनाया हुआ है पानी इधर से उधर जाने के लिए। देखिए देखिए लचलच कर रहा है पूरे दिन, सौगर की तरह लचलच कर रहा है। देखिए अब चलते हैं मछली घर में, मछली आप लोग को दिखाते हैं किस तरह के। देखिए मछली घर जाने का ही रास्ता है, छोटा सा यहाँ पर इसके अंदर नहर है। देखिए अब चल रहे हैं मछली के पेट के अंदर में, आप लोग को दिखाएंगे मछली किस तरह से है, क्या है मछली अंदर में, किस टाइप की मछली सब है मछली के पेट में। अब चलते हैं, देखिए इसका मुंह में घुस के मछली के इसके अंदर में। मछली के पेट के अंदर में देखिए यहाँ पर, अंदर में आने के बाद यहाँ पर देखिए इसके अंदर में एल्बिनो टाइगर सात मछली है इसके अंदर में। देखिए इसके अंदर में टिंपल बाबर और एल्बिनो टिंपल बाबर है। देखिए यहाँ पर इसके अंदर में मिक्स कलरफुल मछली सब है। देखिए इसमें काला मछली है इसके अंदर में। देखिए बड़ा बड़ा कछुआ इसके अंदर में, बहुत सारा कछुआ है। ये सब मछली देखिए कितना रंग बिरंगी मछली सब है। देखिए मछली के मुंह के अंदर से निकल रहे हैं, पेट के अंदर से निकल रहे हैं, देखिए बाहर आगे मछली के बाहर। देखिए डॉल्फिन मछली का पत्थर के यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है दो ठो, और उसमें देखिए उसने डॉल्फिन मछली के कंकाल रखा हुआ है ऊपर में।
देखिए इसके अंदर मगरमच्छ है जो यहाँ पर सोए हुआ है पानी से बाहर निकल के, और वहाँ पर झरना की तरफ पानी बह रहा है, इसमें आ रहा है, और मगरमच्छ इसके चारों तरफ में सोया हुआ है। देखिए यहाँ भी मगरमच्छ है और यहाँ पर बहुत सारा बालू पर सोया हुआ है, आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ से पानी के अंदर भी कुछ मगरमच्छ है और बहुत सा बाहर निकल के सोया हुआ है। देखिए इस चिड़ियाघर में एक हनुमान जी का मंदिर भी है, लोग चाहेगा तो पूजा भी कर सकता है, दर्शन भी कर सकता है। और देखिए इसके अंदर दान कर रहे हैं मंदिर के अंदर में। देखिए चिड़ियाघर के अंदर में मंदिर कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए अब चलते हैं फूल के बगीचा में, यहाँ पर गुलाब का फूल बहुत ज्यादा संख्या में है। देखिए गुलाब के पौधा बहुत ही ज्यादा संख्या में इसके अंदर। देखिए फूल, गुलाब के फूल बहुत यहाँ पर लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सुगंध बहुत ही अच्छा आ रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। इधर भी है, प्रकृति का एक अलग ही नजारा इसमें देखने को मिलता है और फील होता है। आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे तो सिर्फ देख ही रहे होंगे, फील नहीं करते होंगे। चलो चल रहे हैं इसके अंदर में क्या क्या चीज सब है। देखिए आगे इसके अंदर में डुप्लीकेट है क्या? हाँ, ये उल्लू सब रखा हुआ है, चित्र सभी सब बना के रखा हुआ है। और सब जानवर के सिर्फ पिक्चर ही है इसमें। ये देखिए एक अलग ही टाइप के कुछ पक्षी है यहाँ पर चल रहे हैं, यहाँ पर इसमें इसके अंदर में और कुछ चीज सब है। देखिए यहाँ पर इसमें नहीं है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें गुफा बनाया हुआ है इसके रहने के लिए, ताकि शाही गुफा के अंदर ही रहता है। इसमें भी देखिए, इसमें भी गुफा बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पर चूजा के बच्चे हैं। देखिए इसके अंदर में ये जो है उल्लू है, किस तरह से देख रहे हैं। उल्लू को दिन में पता नहीं चलता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। और इसके अंदर में चूजा के बच्चा है, इसके अंदर में चमगादड़ है, लेकिन चमगादड़ अभी गुफा के अंदर घुसा हुआ होगा, पता नहीं चल रहा है। तो देखिए इसके अंदर से निकल रहा है, अब अलग चल रहा है। अब ये सब बहुत दिखा दिया, अब सीधा चलते हैं टाइगर आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए टाइगर के पास। देखिए बाघ का भी सभी इंतजार था, बाघ इसके अंदर में दो तो बाघ है यहाँ पर। देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एक बाघ बैठा हुआ है, एक चल रहा है। अब बाघ आप लोगों को दिखा दिया, अब सांप के घर चलते हैं। सांप जाने का, सांप के घर जाने का रास्ता इधर से है, चलते हैं आप लोग को सांप दिखाते हैं आकर किस तरह के सांप यहाँ पर आते हैं। देखिए सांप के घर के अंदर चलते हैं, यहाँ पर देखिए सांप के वहाँ प्रकृति भी बनाए हुए हैं, चित्र भी। अब चलते हैं सांप के अंदर, सांप के मुख में चलते हैं और इसके पेट में चलते हैं। देखिए वहाँ पर सांप है, इसके अंदर में अजगर सांप है। देखिए इसके अंदर में ब्राह्मीन सांप है, इधर सांप दिखाई दे रहा है, ब्राह्मीन सांप है। और यहाँ भी है, देखिए इसके अंदर में गुस्सा है। देखिए ब्राह्मीन सांप कहाँ कहाँ पाया जाता है इसके बारे में लिखा हुआ है। देखिए इसके अंदर में अजगर सांप है, अजगर सांप के यहाँ पर सोया हुआ है, और एक ऊपर में है, बड़ा सा अजगर है और एक ऊपर में है। देखिए ये जो सांप दिखाई दे रहा है, सेंट बुआ सांप का नाम है। चलिए और आगे सांप दिखाते हैं आप लोग को। देखिए इसके अंदर में जो सांप है, वाइपर द सेल नाम है सांप के।
देखिए आप लोग को कोबरा सांप दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर सांप के जो प्रकार के बारे में दिखा हुआ है, कितने प्रकार के सांप होते हैं इसके बारे में, इसमें कौन देशहीन सांप है, कौन विषैला सांप है, इसके बारे में भी दिखा हुआ है। तो आप लोग को सांप भी दिखा दिए, अब चलते हैं अब अगला, आप लोग को देखते हैं अब क्या बचा है, उसके बाद आप लोग को दिखा रहे हैं जो छोटी है वो खोज के आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लायन है, देखिए यहाँ पर घूम रहा है नेशन, यहाँ पर शेर है, देखिए इसे रहने के लिए अंदर जगह ही बनाया गया है। अब देखिए यही गिद्ध है, यहाँ पर गिद्ध है आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये गांव घर में पहले रहता था लेकिन गांव घर में से विलुप्त हो गया, अभी चिड़ियाघर में रखा हुआ है। दो तो गिद्ध है क्योंकि काफी प्रचलित है, आप लोग किताब में पढ़े होंगे, रियल में देख लीजिए। देखिए गिलहरी किस तरह से खा रहा है, देखिए 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 इसके अंदर में तेंदुआ है, तेंदुआ आप लोग को दिखा रहे हैं, तेंदुआ वहां पर है ऊपर में छज्जी पर वे बैठा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा। दो थो है, देखिए इसके अंदर में भेड़िया है जो कुत्ता की तरह लग रहा है देखने में। देखिए चलिए अब आप लोग को भालू दिखाते हैं, ये विश्व के विभिन्न देशों के विभिन्न जलवायु एवं परिस्थितियों में पाए जाते हैं। भारत में भालू के चार प्रजाति पाए जाते हैं, हिमालय भालू, स्थल भालू, सूर्य एवं सन भालू। इनका शरीर बालों से ढका रहता है, जिनका मोटाई मौसम के अनुसार घटती रहती है। यही है देखिए यहाँ पर भालू किस तरह से झगड़ रहा है। दो तो भालू है, दो ठो भालू इधर है, भालू के रहने के लिए खेलने के लिए यहाँ पर जगह का बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा देखिए यहाँ पर शुतुरमुर्ग है, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग जो होता है, इसका अंडा 2 kg का होता है। देखिए आप लोग को आज रियल में दिखा रहे हैं, और इसके अंदर तोता भी बहुत सारा है, देखिए किस तरह से गर्दन कितना लंबा लंबा है। देखिए चिड़ियाघर में जितना भी जानवर था वो सब जानवर आप लोग को दिखा दिए। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके आप लोग बताइए, और फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कहीं जगह पर घुमाएंगे, और अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।